क्यों पकड़ लिया भैया? ये देखो अरे जनरल लिए चाचा, जनरल नहीं है, ऊपर बैठिए, जनरल है आपके लिए। जय हिंद दोस्तों, जय जोहार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आपका दोस्त अजीत सिंह। अभी फिलहाल मैं हूं झारखंड की राजधानी और काफी खूबसूरत रेलवे स्टेशन यानी रांची स्टेशन के बाहर। वैसे अगर मैं बात करूं तो जो हमारी आज ट्रेन जर्नी होने वाली है, वो होने वाली है हटिया से पूर्णिया के बीच में चलने वाली 18626 कोसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जो कि हफ्ते के सातों दिन हटिया से पूर्णिया के बीच में चलती है। तो चलिए इस ट्रेन की लेंगे पूरी जानकारी अपने रांची जंक्शन के अंदर। और ये देखिए अपना नेशनल फ्लैग, तो करिए जय हिंद। और दोस्तों इस ट्रेन की अगर हम लोग टाइमिंग की बात करें तो ये हटिया से सुबह 5:55 निकलती है और ठीक मतलब हम लोग आज ही के रात में होंगे 11:55 पे पूर्णिया कोट। वैसे अगर मैं बात करूँ तो अधिक से अधिक लोग इस ट्रेन में बोर्ड करते हैं रांची से, और रांची में इसका चलने का टाइम है मतलब आती है 6:10 पे, 6:20 पे निकल जाते हैं। 10 मिनट का होल्ड लेने के बाद ये रांची के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आती है। और इस ट्रेन में जो अपनी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है D3 कोच है अपना जनरल क्लास में। जनरल क्लास में क्यों? क्योंकि देखो भाई ये जो लोकल ट्रेन होती हैं मतलब जो बिहार से एक ही स्टेट में चलती हैं, झारखंड और बिहार से एक ही समझ सकते हो, तो लोग आएंगे जाएंगे, जितने लोग आएंगे उतने लोग जाएंगे, उतना ही मस्ती आएगा। चलिए सीट देखते हैं अपने D3 में 60 नंबर है, कौन सा है मिला है सीट 60 नंबर विंडो साइड, मजा आने वाला है। ऐसा है कुछ इसमें का कोच पोजीशन विशेषण। ट्रेन अपनी निकल चुकी है अपनी रांची से अपने ऑन टाइम 6:20 पे। वैसे अगर बात करूँ तो भाई जर्नी में मजा आने वाला है। तो हाँ, हमारे साथ आप सभी की अगर पहली मुलाकात है तो कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अच्छा लगे तो। वैसे जर्नी इंजॉय करते रहिए। बाकी अगर बात बताओ जो भी 10-15 की होगी साथ में कनेक्ट करके टाइम टू टाइम देखते रहना। चलिए चलते हैं रांची से, बाय बाय रांची जंक्शन। तो जी ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है अपनी दूसरी होल्ट यानी मूरी जंक्शन, और मूरी जंक्शन में हम लोग आए अपने टाइम से भी 10 मिनट पहले। और मूरी की बात करूँ तो स्टेशन कोड MURI नंबर है, प्लेटफॉर्म 3, और यहाँ से ना को ट्रेन ओरिजिनेट ना को ट्रेन टर्मिनेट, लेकिन यहाँ से 121 ट्रेनों का हॉल्ट जरूर है रेलवे के हिसाब से साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के अभी रांची डिवीजन में चल रहे हैं। और देखो काफ़ी खूबसूरती देने का काम किया गया है इस मूरी रेलवे स्टेशन की। और मूरी रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करिए जंक्शन की है तो देखो एक लाइन चल जाएगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो की तरफ जिधर से अभी हम लोग जाएंगे, एक चल जाएगी बड़का खाना पूरे जो लाइन है उधर में। और वैसे अगर बात करूँ तो यहाँ पे आप सभी को नाश्ता करने के लिए सुविधा उपलब्ध है, मतलब ये रेलवे स्टेशन देखने में ऐसा छोटा सा है लेकिन हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी आपको। देखो यहाँ पर सुबह सुबह का नाश्ता मिल जाएगा, और नाश्ते में आप अंडा चौप और कुछ कुछ मिल रहा है। देखो अंडा चौप तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी सुबह का 7:30 ही बज रहा है और मुझे उतना अभी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, अगली बार पिछले बार मैं एक ब्लॉग में आपको दिखा चुका हूँ जो हावड़ा से मैं यहाँ रांची आया था उसमें, तो देखना होगा तो देख लीजिएगा, नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वैसे देखते हैं कितने देर में निकलती है अब अपनी ट्रेन। ना करते हुए भी अंडा चाप ले ही लिया। वैसे अगर बात करते 20 का 2 मिला है पीछे, तो जो पिछली बार खाया था बहुत अच्छा लगता है। देखो दूसरे वेंडर्स लिया है कैसा लगता है, अगर मस्त रिव्यू लगा तो बिल्कुल रिकमेंड करूँगा लेने के लिए, देखता हूँ खा के। चलिए मूरी से निकल चुकी है, सच में यार वाकई में टेस्ट अच्छा है इसका। अरे जनरल लिए चाचा, जनरल नहीं है, ऊपर बैठिए, जनरल है आपके लिए, आपके लिए नहीं, नहीं देखिए सबके लिए नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो आप। आप देख आपके लिए बना पड़ा है, जो सीट किया वो बैठेगा ही ना, ऐसे जबरदस्ती नहीं कुछ नहीं, ऐसे कैसे कह रहे हो। आपका टिकट है अभी आपके पास? हाँ जी टिकट मेरे पास है। कौन सा लिए है? जनरल का लिए। जनरल का लिए है ना, तो जनरल देखिए एक कुछ आगे लगी पड़ी है उसमें आप जा सकते हैं। कैसे बातें कर रहे हैं, अभी वहाँ आएगा कोई, वहाँ से उठाएगा आपको, आपके लिए एक स्पेशल कोच लगा हुआ आगे। All right.
तो जी ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है बोकारो स्टील सिटी, वो भी अपने टाइम से 15 मिनट पहले। यार देखो टाइम की बड़े पेंचुअल है, टाइम से काफ़ी ही पहले आ जा रही है। और बोकारो की बात करें स्टेशन कोड BK SC नंबर पर पहुंचती है, और यहाँ से 8 ट्रेन ओरिजिनेट और 8 ट्रेन टर्मिनेट होते हैं। डेली 75 ट्रेनों का हॉल्ट है, और अभी हम चल रहे हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के अदरा डिवीजन में। वैसे बात करूँ बोकारो की तो देखो पूरी ट्रेन पूरी बढ़िया तरीके से नहीं भरी थी, लेकिन यहाँ पे जो पूरी ट्रेन है वो पूरी तरीके से भर चुकी है। अगर मेरी आवाज़ सुनाई ना दे रही हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अनाउंसमेंट हो रही है कि हमारी ट्रेन यहाँ पे आ चुकी है। वैसे तो जानते हो बोकारो की फेमस है अपने स्टील प्लांट के लिए, अपने स्टील सिटी के लिए। चल तो 15-20 मिनट यहाँ पे रुकने वाले हम लोग, देखते हैं कुछ कुछ तो दोस्तों ट्रेन अभी निकल चुकी है बोकारो स्टील सिटी से। और बोकारो स्टील सिटी में ये देखो कितनी बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बनाई जा रही है। ये लगाया इसलिए क्या है कि शायद पेंटिंग जितने दिन बन रहा है जब तक सूखे ना, जब तक ये सुरक्षित रहे, मतलब सुंदर बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है आपको बोकारो स्टील सिटी को। वैसे तो घूमने के लिए यहाँ पे है ही, लेकिन यहाँ पर भी सुंदरता दिया गया आपको। बोकारो स्टील सिटी तो जी ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है चंद्रपुरा जंक्शन, और चंद्रपुरा जंक्शन में ग्राहकों की संख्या ज़्यादा है जो ट्रेन में चढ़ने वाले। वैसे चंद्रपुरा की बात करते स्टेशन कोड CRP नंबर प्लेटफॉर्म 3, और यहाँ से एक ट्रेन ओरिजिनेट टर्मिनेट होते हैं। डेली काफ़ी ट्रेनों का हॉल्ट है। अब रेलवे के हिसाब से हम लोग ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आ चुके हैं, पहले साउथ सेंट्रल में, साउथ ईस्टर्न में थे, अब ईस्ट सेंट्रल में आ गए हैं, ईस्ट सेंट्रल के धनबाद डिवीज़न में। वैसे अगर बात करूँ तो काफ़ी ही अच्छा खासा जंक्शन है, क्योंकि देखो एक लाइन चल जाएगी बड़का खाना की तरफ, एक चंद्रपुर मूरी वाली लाइन, एक चल जाएगी गोमो वाली जिस साइड में हम जाएंगे, इधर से ही आप चल जाएंगे डाल्टन गंज की तरफ, मतलब अच्छा खासा है। और ये देखो घास, मतलब यार देखने में ऐसा चीज़ मिलता है ना तो एक अलग होती है। वैसे केवल 2 मिनट का हॉल्ट होता है, लेकिन जो पैसेंजर की संख्या है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और यहीं पर है चंद्रपुर थर्मल पावर प्लांट। तो चलिए 2 मिनट का हॉल्ट होता है, हम चलते हैं। लेकिन भाई ट्रेन को मानना पड़ेगा, हर जगह अपने टाइम से पहले ही आ रही है, ऐसा कोई से भी स्टेशन नहीं हुआ जहाँ पे इसने लेट किया हो। 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, मतलब पहले ही आना इसको। और देखिए यहाँ पे मिल रही है नारियल लड्डू, बड़ा ही टेस्टी यार, मतलब जैसे नारियल ऐसे कच्चा खाते हो ऐसे ही लग रहा है, पर मीठा मीठा मज़ा आ रहा है। 10 का 2 है, खा सकते हो अब, थोड़ा ही थोड़ा ही। हाँ ब्लॉग बन रहा था, हो सकता है। हेलो चलिए जी निकल चुके चंद्रपुरा से, चंद्रपुरा में चला देखियो, एक नंबर, मतलब हर चीज खाने के लिए है यहाँ पे। तो जी 170 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं पारसनाथ। पारसनाथ की बात करते हैं स्टेशन को PN
मेन नंबर प्लेटफॉर्म 5 और यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट ना कोई ट्रेन मेट, लेकिन 53 ट्रेनों का हॉल्ट जरूर है। रेलवे के हिसाब से इस सेंट्रल रेलवे जोन के हम लोग धनबाद डिवीजन में चल रहे हैं। वैसे अगर पारसनाथ आना कभी हो तो देखना, यहाँ पे झारखंड का सबसे ऊंचा जो हिल कह सकते हैं पहाड़ी, वो यहीं पे है जहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत जैन मंदिर है। चलो हॉर्न हो गया, चलते हम लोग, ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकते। और गो में इसलिए नहीं रुका क्योंकि भाई वहाँ पे बहुत बार मैं रुक चुका हूँ। चढ़ गया। तो जी ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है कोडरमा जंक्शन, और कोडरमा जंक्शन आई है करीबन 20 मिनट लेट। और यहाँ पे भीड़ देख सकते हो, काफ़ी भीड़ चढ़ता है और उतरता भी है। कोडरमा के बाद को तो स्टेशन कोड KUR नंबर प्लेटफॉर्म 7 और यहाँ से 8 ट्रेन और जीनेट ट्रेन मेट होती है। डेली 79 ट्रेनों का हॉल्ट है। और रेलवे के हिसाब से हम लोग इस सेंट्रल रेलवे जोन के धनबाद डिवीजन में तो अभी चल ही रहे। वैसे कोडरमा के बारे में क्या क्या ही बात करूं, कोडरमा अपने खनिजों के लिए प्रचुर मात्रा में उसके लिए तो ये फेमस है ही, साथ साथ ही कोडरमा घाट सेक्शन जो कि आगे आने वाला है और काफ़ी खूबसूरत घाट सेक्शन है जिसमें टनल्स वनल्स भी हैं। और उसके बाद फिर हम लोग झारखंड से बिहार के अंदर एंटर कर जाएंगे, फिर वहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे गया। तो यही है, भीड़ तो काफ़ी हो चुका है। जो भी लोग हैं अब पटना या यहाँ से आगे जाने वाले लोग अब चढ़ेंगे इधर के, अब मतलब ये लास्ट स्टॉपेज कह सकते हैं इस ट्रेन का, झारखंड का होने वाला है। चलो चलते हैं, देखते हैं हम भी। इनको क्यों पकड़ लिया भैया, ये देखो। अरे इन लोगों ने क्या कर दिया भैया, कहा देखिएगा पकड़े गए। तो चलिए जी, निकल चुके हैं कोडरमा से। भाई साहब लोगों को पता नहीं किस लिए पकड़ के, उनका फोटो शूट हो रहा है। और भीड़ देखोगे, देख लिए, इससे अंदाज़ा लगा लो कि कोडरमा से लोग कितने चढ़ते हैं। पता नहीं भाई साहब लोगों ने क्या किया है नहीं किया है, पास होते तो कुछ बताते भी। तो जी ट्रेन और हम और हमारे भाई जी पहुंच चुके, कहाँ भाई? गया में, मतलब बोध नगरी गया में। गया की बात करें तो स्टेशन कोड GAYN नंबर प्लेटफॉर्म 9 और यहाँ से 48 ट्रेन और जीनेट ट्रेन मेट होते हैं। दिल्ली 119 ट्रेनों का होल्ट है। और रेलवे के हिसाब से हम लोग इस सेंट्रल रेलवे जोन के अब आ चुके हैं सबसे बड़े डिवीजन यानी दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न के अंदर। वैसे बात करूँ तो रेलवे के हिसाब से इधर तो भीड़ होता है और सच में होता है विकास वो होता है, कहाँ से किधर पैसा वसूला जाता है ना। वैसे तो बिहार में आ चुके हो तो बिहार में पैसा लिया जाता है और गंदगी दिया जाता है, मैं कह सकता हूँ जितना साफ देख सकते हो, कोई मतलब छुपाने वाली बात है नहीं। अगर वैसे बात करूँ तो गया का तो तिलकुट खाने में फेमस है ही, लेकिन यहाँ से कुछ ही दूर महाबोधि टेम्पल जाना बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी पवित्र जगह है, जहाँ पे बौद्ध वृक्ष है, जहाँ पे बौद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आप भी आइएगा, धर्म के हिसाब से नहीं कभी शांति के नज़रिए से जाके एक बार ज़रूर देखना। वैसे भी अगर बिहार विहार से हो तो स्कूल की तरफ से एक ट्रिप जाती है बौद्ध ले के घुमाने के लिए। वैसे हमारे सामने कोई ट्रेन आ रही है, इन्फॉर्म करके बताता हूँ देखता कौन हो कि कौन सी ट्रेन है। चलिए टाइम तो बहुत है, यहाँ से लोकोमोटिव भी अपना चेंज होने वाला है तो अच्छा खासा मतलब टाइम ले लिया अपना जो हम।
वो भी आ चुकी है। चलिए मिलते हैं आपसे जल्द। ये जी निकल चुके अपनी कहाँ से, गया से। वो भी अपने इंजन चेंज करने के बाद थोड़ी बहुत लेट हो चुकी है। वैसे बात करूँ तो बाहर गया था मैं अंगूर लेने, अंगूर के कारण ट्रेन छूट जाती, बट टाइम मैनेज कर लेता हूँ। जाना भी तो सोच समझ के, कहा कि बाहर ही सब चीज़ की उपलब्धि है मिलने का। चलो चलते आगे, देखो अब कौन कौन सा स्टेशन कवर करता हूँ पटना के बीच में। जी ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है जहानाबाद, और जहानाबाद की बात करते स्टेशन को JSD नंबर प्लेटफॉर्म 3, जहाँ पे इधर मालगाड़ी लगा है, हम लोगों की गाड़ी आई है। 3 पहिया से इधर से आने वाली गाड़ी अधिकतर 2 पहिया आती है, नंबर प्लेटफॉर्म 3। और यहाँ से ट्रेन ओरिजिनेट टर्मिनेट नहीं होती है, लेकिन 63 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट जरूर है। इस सेंट्रल लेजन का हम लोग दानापुर डिवीज़न में आ गए हैं, मेन पटना जो दानापुर डिवीज़न है उसके अंतर्गत। और जो भीड़ है मेरे ख्याल से 40% लोग यहाँ पे जहानाबाद में ही उतर गए। वैसे अगर बात करूँ जहानाबाद की, तो जहानाबाद तो अपने आप में कई चीज़ों के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ के पत्थर को काट के बर्बरी जो गुफाएं हैं उनके लिए काफ़ी फेमस है, और अपने यहाँ के मंदिरों के लिए। और जो NTPC के रिजल्ट में गड़बड़ हुआ था उसके लिए जहानाबाद में जो प्रोटेस्ट हुआ था काफ़ी ही था। बस NTPC सुन ले, यही कामना करते हैं। चलिए 2 मिनट का हॉल्ट तोड़ते हम भी चलते हैं, ज़्यादा क्या ही बोले। ये जी हम और हमारी ट्रेन निकल चुकी है जहानाबाद से, अब डायरेक्ट मिलते हैं पता है कहाँ, अपने राजधानी पटना में। तो जी फाइनल ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है, देखिए पटना जंक्शन और सामने में हनुमान मंदिर। और बात ऐसी कि जो हमारी ट्रेन जर्नी थी ये पटना तक ही थी, क्योंकि हम पूर्णिया कोर्ट नहीं गए किसी कारण से, क्योंकि यहाँ से अपनी आगे की जर्नी है। अगर वैसे बात करूँ जर्नी एक्सपीरियंस की, तो भाई मेरे को तो बड़ा मज़ा आया, लोग भी मिले, बातें भी हुई, और रूट भी जो था दोबारा मैंने इस रूट को कवर किया। अब आप सभी को ये जर्नी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, अपने भाई की मेहनत कीजिए यार, सुबह सुबह उठ के आपके लिए ब्लॉग बनाया जा रहा है। चलिए फिर मिलें किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, किसी नेक्स्ट ट्रेन में, किसी नेक्स्ट शहर में। जब तक के लिए जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।